राम जी के खिलाफ ऐसे मूवी बनाएगा तो उसको गालियां नहीं तो और क्या पटनी और अभी तो गाली आलू डाले आलू और प्याज डाले पूरा बनेगा तब तक पता नहीं क्या होगा। तो गुड मॉर्निंग, राम राम मेरे सभी भाइयों को। सो आज एक ब्लॉगर बन चुका है, सब्जी क्या बोलते हैं उसको, किचन मास्टर शेफ। ये देखिए तेल हाथ में और मैं बनाने जा रहा हूँ सूखी हुई रोटी, आज बना ही दूंगा। मम्मी गई है काम से बाहर और हमें लग रही है भूख। मौसी ने बोला कि तू चालू कर, मैं आके देखती हूँ। मैं बोला ठीक है। धुआं बहुत हो रही है यहाँ पे, गलत कर दिया शायद, कभी कुकिंग नहीं करूंगा। पूरे घर के अंदर ना देखो धुआं ही धुआं करती, ये कैमरे में शायद दिखेगा नहीं पर पूरे घर के अंदर धुआं ही धुआं। और अभी तो खाली आलू डाले हैं, आलू और प्याज डाले हैं, पूरा बनेगा तब तक पता नहीं क्या होगा। अभी रोहित भाई आ रहा है और वो मेरे पीसी के अंदर आदि पुरुष चला रहा है। कैसी लग रही है आदि पुरुष? एकदम घटिया, एकदम बेकार। क्यों, फिर देख क्यों रहे हो? एक बार मैंने देखी नहीं थी तो मैं सोचती हूं लोगों का कमेंट, मतलब गालियां देने के लिए एक बार देखना जरूरी है ना। भाई गालियां देने के लिए देखना जरूरी है। आपको कैसी लग रही है आदि पुरुष? जो रामायण में उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है ना। गालियां देने के लिए देख रहे हो ना, सब बस गाली देने के लिए देख रहे हैं। इसमें पता नहीं हर कुछ ही बताया गया है। जैसे सूर्पंखा जो थी वो लक्ष्मण के पास गई थी उसको पत्थर बनाने के लिए, तब उसने उसका नाक काटा था, ठीक है, उन्होंने मतलब तलवार से। इसमें अब दिखाया गया है कि सूर्पंखा जो है वो सीता माता के पैर बांध देती है, राम के पास जाती है उनको अपना वर बनाने के लिए, और फिर लक्ष्मण तीर से नाक काट रहा है। बहुत बेकार पिक्चर है भाई, बिल्कुल मत जाना देखने, बिल्कुल। ये देखो अभी तो हॉल प्रिंट के अंदर देख रहे हैं लोग, और अभी थोड़ी देर बाद में गालियां देंगे, पक्का है। गालियां देंगे ना, पक्का पक्का गालियां देंगे रोहित भाई, गालियां देगा ना, पक्का गालियां देंगे सब इसको। राम जी के खिलाफ ऐसे मूवी बनाएगा तो उसको गालियां नहीं तो और क्या पढ़नी चाहिए, और क्या पढ़नी चाहिए बताओ यार, और क्या पढ़नी चाहिए, गालियां पड़ी। क्योंकि आदि पुरुष तो 10 मिनट में खत्म हो गई। तो रोहित भाई कैसे लगे आदि पुरुष? बंद कर दी, देख ले कितनी अच्छी लगी, देख लो। तो मतलब कुछ कहना चाहोगे राम जी के मतलब अब 2-10 मिनट देख के फिर बंद कर दी मूवी, तो तू सोच सकता है कि कैसे लग सकती है मूवी। तो मतलब डायलॉग्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे? डायलॉग तो बिल्कुल साउथ मूवी से कंपेयर किया है इसको। हाँ इसको पता है, इसको एनिमेशन बनाना चाहते थे, ये जैसे बाहर की मूवीज होती है ना स्पाइडरमैन वगैरह ऐसे कुछ, तो पर वो बनी नहीं से वैसे। उसकी बुराई करने के बाद में हम आ चुके हैं नौ दुकान पे। मौसी जो है वो कटिंग कराने आई है अब मुकुंट वाले के, मुकुंट वाला दोनों कटिंग करता है मेल फीमेल, सो इनके कटिंग कराने आए मौसी और दीदी बैठी है अभी अंदर ही। सो अभी वो आएंगे फिर हम घर जाएंगे, फिर उसके बाद शायद हम मौसी को भी छोड़ने जाएंगे कालवाड़ तक, वहाँ से बिट्टू उनको पिक कर लेगा, होगा शायद ऐसा कुछ क्योंकि हमेशा होता है। तो वो तो क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम फिर घर जाएंगे, फिर रात को ऐसे व्लॉग एंड करेंगे घर रहते रहते, क्योंकि चैलेंज है कि थोड़े दिन बाहर कम निकलना है। कम निकलना है का मतलब कि बिल्कुल नहीं निकलना है, और निकलना है तो मतलब 5 मिनट में वापस घर आना है, ऐसा है। सो हम देखेंगे कि आज भी कोशिश पूरी करेंगे, घर पे रहें घर पे रहें घर पे रहें घर पे रहना है भाई। आदि पुरुष तक सब सही था, ठीक है, आदि पुरुष तक शांत बैठे थे सारे, पर अभी जो उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, उत्तराखंड केदारनाथ जैसी जगहों को हम मानते हैं, हम बहुत पूछते हैं उन जगहों को, ठीक है, वहाँ पे अभी जो जानवरों के साथ जो सुलूक हो रहा है ना, उसकी मैं कुछ क्लिप्स आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, मैं निकालूंगा खूब सारी क्लिप्स, मैंने सिर्फ सुना है और क्लिप्स मैंने देखी है, आज मैंने डाउनलोड नहीं करी कोई, मैंने एडिट नहीं करी, मैं बिल्कुल डालूंगा इसके ऊपर एक शॉट डालेंगे, बहुत अच्छा शॉट डालेंगे। पर जो उन जानवरों के साथ हो रहा है ना भाई, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अगर जाना है तुमको, जाओ, तुम श्रद्धालु हो, तुम यात्रा करने जा रहे हो तो तुम पैदल जाओ, ठीक है, तुमको कोई भी हक नहीं बनता है तुम किसी जानवर को वहां पे जाके हर्ट करके आओ, या किसी जानवर के मालिक को ये हक नहीं बनता है जानवर को गंदे तरीकों से ट्रीट करे, कुछ भी उसको हक नहीं बनता है वहां का, ठीक है। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि सब इसके ऊपर आवाज उठाए, सब इसके ऊपर बोले। मैं केदारनाथ की उस टाइम पूरी क्लिप बना नहीं पाया था क्योंकि मेरे को कोई काम आ गया था, बट मैं अब दिखाता हूँ ना, एक 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 रील दिखाऊंगा खाली, एक रील, मन से कह देना कि केदारनाथ में सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है, एक एक रील दिखाऊंगा। अब बताओ, कह दो कि मैं झूठ कह रहा हूँ, ऐसी एक और क्लिप, एक और क्लिप दिखाता हूँ। ये तो खैर गाने के ऊपर है, बाकी सच्चाई में दिखाता हूँ। देखा
इनके साथ क्या होता है कि जानवरों को अच्छा खासा भाई इस्तेमाल किया जाता, अच्छा खासा इस्तेमाल, ठीक है। इस्तेमाल कैसे कि नीचे से ऊपर जाने में, केदारनाथ की चढ़ाई कितनी कठिन है तुमको पता है, नीचे से ऊपर जाने में आराम से इनको काम लिया जाता है। जब ये मरने की हालत में आते हैं तो एक बंदा हम में से, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, हम में से एक बंदा बीच के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो केदारनाथ जाओ तो पैदल जाओ, खुद के दम के ऊपर जाओ, इन घोड़ों खच्चरों के दम पे मत जाओ, ठीक है। जय श्री राम। रात के बज चुके हैं 8, मेरे पास करने कुछ है नहीं, मैं खाना खा लिया, अब मैं सोने में हूँ। सो व्लॉग एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, एडिट थोड़ा अपलोड के बाद एडिट करूँगा, फिर सो जाऊँगा। कुछ नहीं भाई करने को जिंदगी में यार। सो गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना टाइम से। है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहा, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा।